ये देख रहे हैं, ये निकल गया देखो सीन। अरे दोस्तों नमस्कार, माय मिस्टेक ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम आए हुए हैं आईआईटी में, जो कर्मचारी संगठन है उसका फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। उसमें कुछ कर्मचारियों को कुछ शॉल और कुछ शील्ड मिला हुआ है। चलो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सर नाम बताइएगा। यशस्वी त्यागी। और बताइए क्या है ये, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये कर्मचारी संगठन का फाउंडेशन डे है। हाँ हाँ। जो हर साल हर एनिवर्सरी में मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि जितने भी एक साल के अंदर रिटायरमेंट होते हैं एम्प्लॉइज के, और उन एम्प्लॉइज को सम्मानित किया जाता है, माला पहना के साल भेंट करके। हाँ। और एक मोमेंटो जो जो ए मोमेंटो दिया जाता है। अच्छा अच्छा। और सम्मान दिया जाता और सम्मानित किया जाता है। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे हम लोगों के लिए? आप लोगों के लिए ये कहना चाहेंगे कि जो पॉलिसियाँ आती रहती हैं उसमें आप लोग इस अच्छी तरह से स्टडी करके अपना रिएक्शन देते रहे। अच्छा अच्छा। ताकि आप लोगों की जो भी पे स्केल्स से लेकर के और भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें कर्मचारी संगठन के माध्यम से प्रशासन से मिलकर सॉल्व करवाया जा सके। ठीक ठीक। थैंक यू सर, आप मिलते हैं सर से। सर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और थोड़ा सा बताइए अपने बारे में भी, क्या चल रहा है आपका? हमारा नाम सुरेश कुमार कुरील, जो आईआईटी से अभी जुलाई 2022 में सेवानिवृत्त हुए। अच्छा, रिटायर हो गए आप? रिटायर हो गए। अरे हमको तो पता ही नहीं था आप रिटायर हो गए। उसी उपलक्ष में आज आईआईटी में कर्मचारी संगठन का स्थापना दिवस था, जो हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी में हम लोगों को आमंत्रित किया गया था कि आप लोग स्थापना दिवस में आइए और वहाँ पर आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इतने साल आईआईटी की सेवा की, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अच्छी तरीके से सुरक्षित अपने रिटायर होके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हष्ट पुष्ट, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर से मिलते हैं, सर से भी थोड़ा सा ले लेते हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं 1986 में मैंने आईटी ज्वाइन किया था, और तब से मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में था, मैं ड्राफ्ट्समैन था मैं, और मेरा काम जो था बीटेक के लड़कों को जो है मतलब उनका असाइनमेंट वगैरह जो है उनको हेल्प करना बनाना, और क्वेश्चन आंसर वगैरह भी जो है उनको करना के लिए हमारा सब ड्यूटी था ये वाला। और अब आज जो का जो डे है हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली डे है कर्मचारी संगठन का, क्योंकि मैं बाहर था इसलिए मैं छुट्टी लेकर आया इसको इनको इंजॉय करने के लिए। तो मैं अपने पदाधिकारियों के संगठन के और इंस्टीट्यूट का बड़ा ही मतलब सम्मान करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज हम इस पोजीशन पे यहां से ठीक ठाक बिल्कुल अपने घर अपने मतलब रिटायरमेंट होके और अपने जो है घर जा रहे हैं। वहाँ से अच्छी बिल्कुल है, हमने बहुत अच्छा टाइम काटा यहाँ पे परिवार के साथ। हाँ, और इतना अच्छा है आईटी का एनवायरनमेंट रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब लोगों का। ये हमारे जो बहुत बड़े माननीय हैं और प्रेरणादायक हैं, ये लोग बड़े अच्छे सुरक्षित, और ऐसे ही हम लोगों को भी जाना चाहिए। हमारी ऐसी आशा है कि आशीर्वाद दें, हैं दो शब्द हमारे प्रति जो आशीर्वाद दें कि हम लोग भी ऐसे ही जो है सुरक्षित जो है सेवानिवृत्त हों, है ना। चलो मिलते हैं और कुछ लोगों से आगे। तो जो दोस्तों जो रिटायर जो हुए थे पर्सन, जो कर्मचारी संगठन फाउंडेशन जो मनाता है, तो उसमें जो रिटायर पर्सन हैं उनको सबको बुला करके उनका मान सम्मान करते हैं और माला पहना कर कुछ स्मृति चिन्ह दे करके और एक शॉल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है उन लोगों को और सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे सैनी जी से। बताइए सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कब रिटायर हुए थे आप? अगस्त 30 अगस्त को, 31 अगस्त को, 31 अगस्त 2022 को। कितने साल नौकरी कर ली आपने? अरे 40 साल करीब। बताओ 40 साल ये नौकरी कर रहे हैं, लेकिन लग रहे हैं आपको ये 60 साल के।
है? अभी कहाँ यार आप देखो ये खुद ही कह रहे हैं कि अभी नहीं लगे हैं, ये 40 साल के अभी तक नहीं लग रहे हैं, वो क्या 60 साल के अभी तक नहीं लग रहे हैं। दोस्तों देख रहे हैं तो इनसे हम लोगों को ये सीख मिलती है कि ऐसे ही हम लोगों को भी चलना। कुछ हम लोगों को दो शब्द कहेंगे कि कैसे कैसे, आप भरत जी से कर लाओ, भरत जी बोले, भरत जी बताएंगे कैसे कैसे जो है हम लोगों को। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मैंने लाइब्रेरी में कंटिन्यू एक ही डिपार्टमेंट में जब से ज्वाइन किया था और 31 अगस्त 2022 को रिटायरमेंट हुआ हूँ, कंटिन्यू लाइब्रेरी की सेवा की है, बहुत अच्छा रहा। कितने साल तक की है सेवा? सेवा मेरे ख्याल 34 साल कुछ महीने हुए हैं। अच्छा, अच्छा। और 6 साल तो मैंने प्रोजेक्ट में काम किया था, वो आईटी में काउंट नहीं हुआ। वैसे कुल मिलाकर के मेरे भी 40 साल से ज्यादा हो गई सर्विस, 40 साल लगभग हो गए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छी तरह से इस संस्थान को सेवा दें और उनकी सेवाएं दे करके, अपना योगदान दे करके इंस्टीट्यूट को अच्छा आगे और बढ़ाएं। अच्छा ये बताओ, ये आपकी जो खूबसूरती का राज क्या है? अरे मैं सुबह मॉर्निंग टहलने जाता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फुटबॉलर था। कुल मिला के ये है कि आपको कोई ना कोई गेम खेलना ही पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उससे क्या होता है, कोई ना कोई एक्टिविटीज करेंगे ना तो आपका शरीर एकदम सुडोल रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा और आप स्वयं एक्टिव रहेंगे और जो है इंस्टीट्यूट में भी मन लगा के काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या क्या मिला है, क्या क्या दिया गया है, क्या सम्मान दिया गया है? एक मोमेंटम दिया गया है, मोमेंटम दिया गया है और एक शॉल दी गई है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिले बहुत अच्छा मजा लगा, या इन्होंने बहुत ही अच्छा लगा। और मिलते हैं कुछ लोगों से अभी और। रिटायरमेंट हुए हैं ये लोग और ये देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। और रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, कुछ लोग इधर गए हुए हैं, शास्त्री जी बैठे हुए हैं।